हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 65th बीपीएससी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि एडवर्टीज़मेंट तो आ चुका है, कैलेंडर भी जारी हो चुका है कि 65th का बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन अप्रॉक्सीमेटली कब तक होगा। फॉर्म फिलअप अप्रॉक्सीमेटली जुलाई से स्टार्ट होगा एंड एग्ज़ामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन सेप्टेम्बर। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। अगर हम लोग देखें तो 29th ऑफ सेप्टेम्बर जो है वो संडे है, सो मोस्ट प्रॉब्ली द एग्ज़ामिनेशन डेट विल बी ऑन 29th ऑफ सेप्टेम्बर। अगर सारा फॉर्म फिलअप और सब कुछ सही समय पर हुआ तो इन एक्चुअल देखिए, जब एडवर्टीजमेंट निकला है तब कुछ ना कुछ तो ख्याल रख के ही एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया गया है। एनीवेज, वी कैन नॉट वेट कि फॉर्म फिलअप के लिए जो आयोग का नोटिस निकलेगा उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कुछ बुक्स के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें और कौन सा बुक्स हम लोग पढ़ें अभी से, क्योंकि अभी जनवरी है। अगर आप जनवरी का मेडाज, टुडे इज़ द 12th तारीख है, अगर आप जनवरी भी छोड़ देते हैं, अगर फरवरी भी आप सोचते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 months इज देयर, सितंबर आप ओनली रिवीजन के लिए रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम लोग, क्या क्या सिलेबस है, मतलब टॉपिक्स क्या, सिलेबस इन द सेंस कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कौन से बुक्स इसमें हम लोग रेफ़र करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू, स्टार्टिंग थ्रू हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री का तीन सेक्शंस है, एंशिएंट, देन मीडियवल एंड मॉडर्न। ओके, एंशिएंट के लिए आई विल सजेस्ट यू, एक तमिलनाडु बोर्ड का बुक्स आते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ने के अलावा, या फिर जो बोलते हैं कि 6th to 12th का बुक पढ़ो, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि 6th to 12th। आप अगर कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री आपको पता ही है, पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि 64th भी दिए हैं। ओके, तो आप अगर तमिलनाडु बोर्ड की जो book 1 है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर जो है उस, दैट इज़ दी फर्स्ट ईयर में आपका हो जा रहा है एंशिएंट, दैट मीन्स दी दिस एंशिएंट विल कम इन दी फर्स्ट ईयर अलॉन्ग विद दी मीडियवल विल ऑल्सो कम इन दी फर्स्ट ईयर, और मॉडर्न जो है वो आपका सेकेंड ईयर में है। ठीक है, आई विल शो यू दी बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दीज, ये कंप्लीट हो जाने के बाद, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है और बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आई विल जस्ट शो यू, दिस वन इज दी तमिलनाडु बोर्ड की बुक है। It's a very nice book. I'll show you the chapters also. देखिए स्टोन एज unit 1 में देखिए, वो तो इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिला के बताया है। सेकेंड इज स्टोन एज, ओके यू कैन चेक, स्टोन एज है, फिर जाके वैदिक पीरियड, मगध एम्पायर, ओके, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, एवरीथिंग इज, सब कुछ दिया हुआ है कंसाइज तरीके में। इसको आप पहले पढ़िए, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने के अलावा, ओके, अलग से बुक पढ़ने के अलावा, वास्ट बुक कुछ पढ़ने के अलावा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अगर गो थ्रू करते हैं, यू कैन सी एवरीथिंग, टोटल जो भी सिलेबस में है आपका, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन सी।
इंडियन ज्योग्राफी प्री हिस्ट्रिक एवरीथिंग राइज ऑफ मगध मौर्यन एम्पायर पोस्ट मॉडर्न संगम हर्षवर्धन देखिए जो भी चैप्टर्स है टोटल जो है वो आपका सारे इसमें दिया हुआ है ओके सो यू कैन टेक दिस बुक दिस इज फर्स्ट ईयर दिस वन इज द सेकेंड ईयर बुक फॉर द मॉडर्न इंडिया यहाँ से देखिए इंडिया अंडर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके यहाँ पे सारे गवर्नर जनरल्स वाइसरॉयज भी मिल जाएंगे आपको गवर्नर जनरल्स इन द सेंस मिल जाएंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखिए टोटल वेरी बहुत कंसाइज बुक है आप ले सकते हैं इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया हुआ है बट वी डोंट रिक्वायर इट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो यू कैन गो थ्रू ओके सो ये हो गया हिस्ट्री का बेसिक इसी हिस्ट्री का बेसिक अपार्ट फ्रॉम दिस इफ ये कंप्लीट होने के बाद बिकॉज अभी बहुत टाइम है तो ये कंप्लीट होने के बाद यू कैन इफ यू हैव टाइम यू कैन टेक दिस वन फॉर एंशियंट दिस द आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री रेफरेंस This one, class 11, old one, take the old one. I'll not suggest to purchase the Satish Chandra for the, this one plus for ancient, one more, that is the R.S. Sharma. Okay. If you have time, you can go through the for medieval India, you can go to Satish Chandra also. But if you don't, कोई problem नहीं होगी वो जो Tamil Nadu book का है ना वो आप पढ़ लोगे तो वो काफ़ी है Okay. Now for the modern के लिए I'll only suggest कि आप ये वाला book पढ़िए Tamil Nadu board की ये book पढ़िए and Bipin Chandra. This book, this one, ये जो ओरियन ब्लैक स्वैन है ना ये वाले पब्लिकेशन ये दिस वन यू परचेज दिस विपिन चंद्र आगे ये दो पढ़िए अभी क्या करना है ये जैसे आप एंशियंट कंप्लीट कर रहे हैं एंशियंट आप एक बार दोहरो पढ़ लिए ओके सो कुछ आप जितने भी आपका लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में प्लस यूपीपीसीएस ये दोनों को आप देखिए ओके कैसे देखिएगा फ्रॉम दी प्रतिजो फ्रॉम योर दी घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक जो आता है प्लस जाके लूसेंट का अगर आप लेते हैं लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप ट्राई कीजिए चैप्टर वाइज कीजिए सपोज आप इंदस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं या स्टोन एज कर रहे हैं तो इंदस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ लीजिए अब क्या कीजिए अब तमिलनाडु बुक से पढ़िए इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़िए पहले फर्स्ट देन यू गो थ्रू दी आर एस शर्मा देन गो थ्रू दी ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और फिर जाके आप बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है आई विल शो यू यू कैन टेक दिस वन यू कैन टेक दिस वन ओके तो इसमें से इंदस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आप टोटल सॉल्व कर लीजिए एंड दी ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैं बोल रही थी आई विल शो यू दिस वन इंडियन हिस्ट्री जैसे देखिए स्टोन एज जितने भी क्वेश्चंस हैं
इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को आप कीजिए। ओके, देन इसके करने का अलावा आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हरप्पन सिविलाइजेशन, दिस इज़ द लूसेंट का। सो फॉलो क्या करना है आपको, यू हैव टू फॉलो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू स्टडी, तमिलनाडु बुक वन, सपोज चैप्टर वन, देन आर एस शर्मा, सेम टॉपिक, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, सो आई विल शो यू थ्रू द फ्लो चार्ट। यहाँ पे आप TN का बुक पढ़िए, देन गो थ्रू RS शर्मा। ओके, देन यू व्हाट विल यू डू, थर्ड स्टेप विल बी योर घटना चक्र प्लस ऑब्जेक्टिव देन यू विल गो थ्रू BPSC क्वेश्चन बैंक। ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक टॉपिक पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग प्री के लिए कर रहे हैं, इस तरह से अगर पढ़ोगे तो मेंस में भी होगा, बट मेंस में तो क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे, बट मैं जो घटना चक्र में आप देखिएगा कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आपका दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। फिर विल ऑल्सो गो थ्रू दी मेन्स ऑल्सो वंस वी कम्प्लीट विद दीज टॉपिक्स। सो आज हम लोग हिस्ट्री के लिए डिस्कस किए, सेकेंड वीडियो जो आएगा वो जियोग्राफी किस तरह से पढ़ेंगे उसके लिए। सो ये हिस्ट्री के लिए हुआ, तो सेम यू विल बी गोइंग थ्रू फॉर दी एंशियंट एंड एंशियंट मीडिएवल एंड मॉडर्न। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर लीजिए, अगर आप एक बार भी पढ़े हैं, अगर ये सेकेंड टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेकेंड टाइम आप या फर्स्ट टाइम आप अपियर हो रहे हैं, तो यू गो थ्रू द मॉडर्न इंडिया, इंटरेस्ट होता है आपका मॉडर्न इंडिया के लिए, फिर आप एंशियंट कीजिए। फर्स्ट गो टू मॉडर्न, देन गो टू एंशियंट, देन यू गो टू मीडिएवल। ओके, एंड लास्ट में फिर से मॉडर्न को आपको रिवाइज करना है। सो यू कैन गो थ्रू लाइक दैट ऑल्सो। अदरवाइज अगर आपको सहूलत मिले कि नहीं मुझे ईजी लगता है कि पहले मैं एंशियंट से स्टार्ट करूँ, एक्चुअली एंशियंट थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इस तरह से पढ़े। तो पहले आप एक चैप्टर या दो चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर आर एस शर्मा से भी पढ़ लीजिए, फिर जाके आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, फिर BPSC के क्वेश्चंस, तो आपको छूटेगा ही नहीं, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो बाय दिस वी एंड अप आवर वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हम जियोग्राफी के लिए बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।